मैं इस समय गोरखपुर में हूँ और गोरखपुर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है फांसी एकता संघ, कहीं ना कहीं समाज को देखते हुए समाज की जो कतार, उस समाज में उस कतार में हम पीछे हो रहे थे, या फिर अगर हम एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो शिक्षा की कड़ी में भी हम बहुत ज़्यादा जो है बैक जा रहे हैं। क्या कारण है इन सारी चीज़ों को देखते हुए फांसी एकता संघ बहुत बड़ा कारवा रचने का काम कर रहा है? आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी। मेरे साथ फांसी एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक पासवान जी हैं और इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे। सबसे पहले मेरी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप फांसी एकता संघ का कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ रही है इस तरह के संगठन की? फांसी एकता संघ का कार्यक्रम जो हुआ है ये पहली बार नहीं हुआ है, ये बहुत दिनों से हमारे जो हमसे सीनियर लीडर रहे हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, वो करते आ रहे थे। लेकिन इसके पहले बहुत सारे संगठन थे अलग अलग, लेकिन फांसी एकता संघ जो नाम दिया गया है वो सारे संगठन को गोरखपुर में विलय करके एक नाम दिया गया फांसी एकता संघ। और फांसी एकता संघ का उद्देश्य है कि शिक्षा के साथ जागरूक करना ही है, लेकिन जो हमारे पीढ़ियां आने वाली हैं, जो हमारी नस्लें आने वाली हैं, अगर हम उन्हें जागरूक नहीं कर पाए, उन्हें अच्छे दिशा में नहीं ले जा पाएंगे, तो आने वाली नस्लें हमसे सवाल पूछेंगी और हम क्या जवाब देंगे। मेरे साथ वरिष्ठ अतिथि के रूप में हैं इनसे सर, एजुकेशन को लेकर के जो है पासी समाज या फिर कि बहुजन समाज की बात करें, दलित समाज की बात करें, एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे हैं, उन्हें किस तरह से गाइड करेंगे आप? देखिए, शिक्षा के जगत में सबसे पहले ये बात है कि हमें जो हमारे बुद्धिजीवी जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं, गार्जियन जिसको बोलते हैं, वो अपने बच्चों को जब तक शिक्षा की तरफ अग्रसर नहीं करेंगे तब तक हमारा समाज आगे नहीं जा सकता है। हमारे समाज में सबसे बड़ा गूढ़ रहस्य ये है कि हम अपने बच्चों को अपने राजा महाराजा, अपने महापुरुष का इतिहास नहीं बताते हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है, अगर हम अपना इतिहास नहीं दोहराएंगे तो हमारे समाज के बच्चे वो अपने आप को बहुत नीचे समझते हैं, बहुत गिरा अछूत समझते हैं। हमें ये अपने बच्चों को पाठ पढ़ाना होगा, अपने बच्चों को ये बताना होगा कि हम राजा महाराजा, महाराजा बिजली पासी, महाराजा सातन पासी, महाराजा लाखन पासी, अमर वीर बीरा पासी, हम इनके वंशज हैं। महाराजा सुहेल देव, जिन लोगों के वीरता से आज पूरा भारतवर्ष ठाकुर कहता है, महाराजा सुहेल देव की वीरता सुनकर कि ये राजभर, ये हमारे जो सिंह हैं, ठाकुर हैं, राजभर सोचता है कि ये राजभर हैं। ऐसा महत्व बनाना चाहिए, ऐसा अपना चाहिए कि लोग आपको अपना बनाने पर आतुर हो जाएं। कहीं ना कहीं शिक्षा में इतनी बड़ी पावर है कि अगर अगर बहुजन को मौका मिले तो बहुत सारी कारवां रचा जा सकता है। जैसे बाबा साहब को जब मौका मिला उन्होंने संविधान बनाया, मानवर साहब को जब मौका मिला उन्होंने इतिहास बनाने का काम किया, दुनिया ही नहीं पूरा विश्व जानता उनको। इसी तरह से नवयुवकों को अगर देखा जाए तो फांसी एकता संघ तेजी से काम कर आए हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे कि एजुकेशन को लेकर के हमारा समाज बहुत पीछे जा रहा है, तो उन्हें आप किस तरह से प्रेरित करेंगे कि हमारी विरासत भी बची रहे और विरासत के बारे में लोगों को जानकारी भी हो, तो इस पर क्या कहेंगे आप? गोरखपुर में आज महाराजा बिजली पासी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई है, और आज ही नहीं 25 दिसंबर को लमसम जब से हमने होश संभारा है तब से देख रहा हूँ कि मनाई जाती है। माननीय रामविलास पासवान कभी मुख्य अतिथि हुआ करते थे, कभी राम नरेश रावत हुआ करते थे, कभी आर के चौधरी हुआ करते थे, हम लोग जब से होश संभारे हैं तब से मनाते चले आ रहे हैं और मनाते रहेंगे। हमारी पीढ़ी जब तक अपने वंशज का इतिहास नहीं जानेगी तब तक वो गौरवान्वित नहीं होगी, और शिक्षा तो बहुत ही मोस्ट है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने बोला है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिया है वो दहाड़ेगा। इसी क्रम में मैं अपने सारे समाज के आए हुए महिलाओं से विनती करता हूँ कि शिक्षा में अहम भूमिका आप लोग की है, अपने बच्चों को, अपने नाती पोता को समय से नहा धोवा करके स्कूल भेजें, शिक्षित जब होगा अपने इतिहास के बारे में जानेगा तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से इस वर्तमान महाराज योगी जी सरकार से मन से हम लोग घोषणा किए हैं, ये जंगल सिकड़ी तिराहे पर महाराजा बिजली पासी की मूर्ति की स्थापना करने का अनुमति दें,
इसी मैं कुछ चीज़ों के ऊपर बातचीत करूंगा कि वास्तव में हम बाबा साहब की बातें बार बार दोहराते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन कहाँ हम दहाड़ रहे हैं ये तो भी सोचने वाली बात है। हम कहीं ना कहीं उस एजुकेशन पैनल से बहुत पीछे जा रहे हैं, हमें आगे बढ़ने की जरूरत। मेरे साथ एक गार्जियन है, उनसे भी बातचीत करूँगा, प्रधान जी हैं, उनसे बातचीत करूँगा कि हमारे एजुकेशन पैनल के ऊपर सबसे ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है वो एजुकेशन के मामले बहुत पीछे जा रही है, तो उसे हम किस तरह से आगे बढ़ाएं। अगर पासी एकता संघ अगर आगे बढ़ाने के कारवां को उठाता है एजुकेशन को लेकर, तो इस पर क्या दिशा निर्देश देंगे? निश्चित रूप से आपकी बात सही है, पासी एकता संघ के माध्यम से और पासी समाज में यह जागरूकता बढ़ी है। आज महाराजा बिजली पासी की जयंती के अवसर पर कहीं भी यदि महाराजा बिजली पासी की जयंती मनाई जा रही है, पासी समाज के लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप जाएंगे, देखे होंगे बाबा साहब का भी बड़े धूमधाम से उनकी विचारों की चर्चा हो रही है। निश्चित रूप से यदि बाबा साहब की चर्चा होगी तो उनके साथ महात्मा ज्योतिबा और फूले साहू जी महाराज, ये सारे लोग आएंगे, और जब उनकी बात आती है तो निश्चित रूप से शिक्षा की ओर समाज अग्रसर होगा, आगे बढ़ेगा। एक और कड़ी, जब ज्योतिबा राव फूले जी की बात हो तो माता सावित्री बाई फातिमा शेख की बात जरूर करनी चाहिए, अगर हम नहीं करते हैं तो पूरी कारवां अधूरा है। मेरे साथ माता फूले हैं, मैम हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा। कहीं ना कहीं महिलाओं की जो कतार होती है सारे कार्यक्रमों में पीछे होता जाता है, तो क्या हम उस जगह तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, या फिर हम उन्हें सही तरीके से बता नहीं पा रहे, क्या किया जाए महिलाओं को आगे? महिलाओं को आगे लाने के लिए हमें पहले अपने आप को जागरूक करनी है, और महिलाओं को जैसे गांव-गांव में जाके महिलाओं को निकालना है, क्योंकि जब तक हम खुद आगे बढ़ के महिलाओं को गांव में जाके निकालेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, उनको समझाएंगे, हमारी महिलाओं को थोड़ा सा पल्ले में रहती है और दब के रहती है, लेकिन उनको अब दबने की जरूरत नहीं है। आज जो वीरांगना उदा देवी थी वो भी एक महिला थी, वो भी हमारे समाज की महिला थी, जो आज उनके इतिहासों को हम लोग दोहराते हैं और इतिहास उनके कहे अनुसार हम लोग चल रहे हैं। उस समय कोई सुविधा नहीं था, तब ने उन्होंने 36 अंग्रेजों को मारा, तो क्या आज हमारे पास सुविधा हो कि क्या अपने बच्चों को हम लोग शिक्षा नहीं देंगे? देंगे शिक्षा, इसीलिए मैं अपने महिलाओं को चाह रही हूँ गांव-गांव में जाकर मैं कार्यक्रम करूँगी और अपने महिलाओं को बाहर निकालूंगी और शिक्षा के और मैं उनको लाऊंगी। कहीं ना कहीं महिलाओं को जोड़ने की ज़रूरत है, और ये अक्सर कहा जाता है कि जब हम समाज में अपनी महिलाओं को लाते हैं, बहनों को, बेटियों को जब हम समाज में लाते हैं, तो समाज एक अलग दिशा पकड़ती है, एक अलग गति पकड़ती है, और वास्तव में महिलाओं को इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहिए। अक्सर देखने के लिए मिलता भी है कि जो समाज की महिलाएँ हैं, लोग आते हैं, बहुत सारे लीडर्स भी आते हैं, सभी लोग समाज की रूपरेखा को तैयार करते हैं, आगे की तरफ चलते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं को नहीं हम जोड़ पाते हैं, जिसके वजह से हमारा आधा कार्य अधूरा होता है। मेरे साथ पासी एकता संघ के मंडल अध्यक्ष जी हैं, इनसे भी बस्ती से इनसे बात करूंगा कि सर आप लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ा तभी जाकर के समाज आगे की तरफ पहुँचा, तो लेकिन इस कारवां में हम कुछ पीछे हैं, उसे पूरा करने के लिए आप कौन से कदम या फिर क्या गुरु मंत्र देना चाहते हैं अपने समाज? जी सर, जैसा कि हमारे अभी भक्तागण नेतागण बताए कि हम राजा महाराजा थे, जिस वीर शिरोमणि महाराजा बिजली पासी की हम जयंती मना रहे हैं, वो उस जमाना था जब राजतंत्र था, आज वो राजतंत्र खत्म हो गया है, प्रजातंत्र हो गया है, तो उस समय राजा महाराजा हुआ करते थे, वो जमाना चला गया, आज हम राजा महाराजा शिक्षा से बना सकते हैं। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, शिक्षा से हम SPDM बना सकते हैं और वोट से CM और PM बना सकते हैं, इसके लिए सबको जागरूक हो करके एक होने की ज़रूरत है, तब समाज तरक्की करेगा। और शिक्षा की ही देन है कि लखनऊ में महाराजा बिजली पासी का जन्म हुआ था, और यहाँ से 2,500 किलोमीटर दूर बम्बई में आज वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, वो चीफ गेस्ट हैं, वो गादेवाली में और थाने में आज महाराजा बिजली पासी की जयंती मनाई जा रही है, वो शिक्षा की ही देन है कि पूरे देश में, पूरे भारत देश के लोग, पासी समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं और समाज में चेतना आई है, अपने महापुरुषों को जान रहे हैं, ये पढ़ाई लिखाई की ही देन है। यानी तो धीरे जी जी, यानी कहा जाए कि 21वीं सदी कलम की ताकत बाबा साहब ने जी जो कलम की ताकत दी है बाबा साहब ने, वो करिश्मा दिखाना शुरू किया है, और 2027 आते आते आपको करिश्मा दिखना शुरू हो जाएगा।
बहुत बहुत साधुवाद आप सभी लोगों को। साथियों, कहीं ना कहीं शिक्षा के ऊपर ही बहुत बड़ा फोकस करना पड़ेगा, और दो बहुत बड़ी कमियां जो अपने समाज में हम चले आते हैं लेकिन अपने परिवार की बहनें और बेटियों पर ही लाते हैं। कहीं ना कहीं समाज में जो है उनको जोड़ने की ज़रूरत है, उन्हें लाने की ज़रूरत है, और जब हम समाज में आएंगे तो इन सारी कारवां को जो है आगे बढ़ा रहे पास एकता संघ पूरा होगा। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। बहुत बहुत साधुवाद।